हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस दौरान विंटर्स में मैंने काफ़ी सारे बल्ब्स से काफ़ी सारे फ्लावर्स ग्रो किए, लीलियम, नार्सिसस, आयरिस, हेसिंथ और ग्लैडियलस। मैं और फ्रीजिया, इग्जिया और नेथोगेलियम और भी मुझे नाम नहीं याद है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं हेयरसिंथ के भी ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लैडियलस है। अब जैसे कॉम्स आप ख़रीदते हैं वैसे इनमें फ्लावर्स निकलते हैं। यदि आप छोटे छोटे कॉम्स ख़रीदते हैं तो उनमें सिंपल वाले पीच कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जब आप बड़े वाले कॉम्स रहते हैं ये जो है ये पूरा हथेली को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये फेसबुक के थ्रू खरीदे थे। अभी सेलर का नाम मैं इसलिए आपसे नहीं बता सकती क्योंकि मैंने 4-5 सेलर से बल्ब अलग अलग टाइम पे ख़रीदे थे, इसलिए मेरे पास में इनका भी डिटेल्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस दौरान जो है आप इनको ग्लैडियलस, वैसे विंटर फ्लावर्स होते हैं पर समर्स में भी कई बार ये ग्रो होते हैं, जहाँ पर मौसम जो है 25 डिग्रीज़ के आसपास रहता है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको लगाने का बेस्ट टाइम होता है यदि रेनी सीजन के बाद आप लगा दें। तो जब भी कभी आप लगाते हैं तो लॉट के लॉट डिवाइड करके 15-15 दिन के अंतराल पर या एक एक वीक के अंतराल पर आप इन्हें लगाइए। तो जैसे जैसे एक लॉट फ्लावरिंग करने के बाद फिनिश होगा तो सेकंड स्टार्ट आपका फ्लावरिंग देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है और इसको लगाना किस प्रकार से है। सारे बल्ब्स लगाने की पद्धति अलग अलग होती है, तो इसके लिए बेस्ट है सॉइल जो आपको तैयार करना, उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और मिट्टी की मात्रा कम होनी चाहिए। मिट्टी सिर्फ इतनी चाहिए कि बल्ब्स को या कॉम्स को वो जगह पे होल्ड करके रखे। तो इसके लिए कम से कम आप 8 से 10 इंच का गहरा गमला लीजिए और उसमें नीचे पहले आप खाद और मिट्टी जो है हमने बताया वैसा आप मिक्स डाल लीजिए। 1 इंच या 2 इंच की लेयर आप डाल लीजिए और इन कॉम्स को रख के और उनके ऊपर जो है आप 1 इंच की अपनी मिट्टी की लेयर डाल दीजिए। जब उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, उस स्प्राउटिंग जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मिट्टी से बाहर आ जाती है, फिर आप 1 इंच की लेयर डाल दीजिए। तो ऐसे करते करते आपको पूरे सॉइल से आपके जो स्प्राउट है, जो प्लांट है, गमले के 1 इंच ऊपर की स्पेस छोड़ के बाकी पूरा आपको ऐसे लगाना है। ये इसलिए ऐसे इस तरीके से किया जाता है ताकि जो ये बड़े बड़े लंबे लंबे जो इसका पौधा होता है, स्टिक निकलती है, वो लेट ना जाए। हमारे यहाँ देखिए मौसम भी ख़राब हुआ, बीच में काफ़ी बारिश हुई और हवाएं काफ़ी चली, तो कुछ मेरे जो है, और मैंने सपोर्ट नहीं लगाया क्योंकि समय ही नहीं मिलता था, इतनी बारिश होती थी लगातार 1 वीक तक, तो समय नहीं मिल पाया कि मैं आके इस पर बैम्बू की स्टिक लगा दूँ। अभी मैंने 1 या 2 पे लगाया है और अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये फ्लावर का साइज़ जो है कम से कम 6 से 7 इंच चौड़ा है ये। तो ये फ्लावर, इनमें खुशबू नहीं होती है, तो आप जो है कम से कम इनको बल्ब्स कॉर्म्स लगाने से लेके फ्लावरिंग तक 60 to 65 days लगते हैं। यदि टेम्परेचर एकदम स्टैटिक है या क्लाइमेट बिल्कुल ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बारिश नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, जैसे यदि आप फरवरी में लगाएंगे तो आपको मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक तक इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 15 दिन के अंतराल पर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है और बीच में एक बार आपको बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम कहना चाहिए, नीम की कली, सरसों की कली, बोन मील और वर्मी कॉम्पोस्ट, और साथ में थोड़ा सा एंटीफंगल पाउडर डाल दीजिए। तो उसको मिला के आपको 2 बार ये आपको डालना है, और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताया वो आपको हर 15 दिन के अंतराल पर डालना है। इसको फुल सन में आपको रखना, 6 से 8 घंटे की धूप आपको चाहिए। ये देखिए सब में स्प्राउटिंग हुई, लेकिन एक ये जो कॉर्म है इसमें स्प्राउटिंग नहीं हुई, इसमें कोई सड़न या गलन नहीं है, लेकिन रूटिंग इसमें हो रही है लेकिन स्प्राउटिंग नहीं हुई, हो सकता आगे हो जाए। जब ये बढ़ जाते हैं, फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, तो आप इनको फुल सन में रखिए और आप इसे कट फ्लावर के तौर पर भी आप लगा सकते हैं। और जब ये स्टिक्स जो है इनकी पूरी ड्राई हो जाती है तो इनको आप शेड में ऐसी जगह रखिए कि इनको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। उस दौरान आप इसमें वाटरिंग भी कम कर दीजिए। मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगी कि इसके बल्ब्स को, हम कॉर्म्स को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए आपने ग्लैडियलस के बल्ब्स हम लगा सकते हैं। बस लगाने का आपको ध्यान रखना, फरवरी में भी आप लगा सकते हैं, बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पर आप एंटीफंगल पाउडर डालते भी जाइए घोल कर, ताकि मिट्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो कोई, क्योंकि ये जो बल्ब जैसे लगा, ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी देंगे
तो ये गलते भी हैं। तो पानी आप विशेष ध्यान रखना है पानी का, कि आपको पानी तभी देना है जब ऊपर से 1 इंच 1 से 2 इंच मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, उस दौरान आप पानी दीजिए। लेकिन जब इसमें प्लांट्स लग जाते हैं उस दौरान 1 इंच मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए उस दौरान आप पानी दीजिए। जब इस तरीके के छोटे छोटे ये प्लांटलेट्स साइड से निकलते हैं तो इनको जो है आप निकालते जाइए, क्योंकि ये छोटे छोटे बल्ब फॉर्म होने लगते हैं और ये प्लांट की एनर्जी लेकर इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होने देते। एक 6 से 8 इंच या 8 से 10 इंच के गमले में आप 2 से 3 कॉर्म्स आराम से लगा सकते हैं। यदि आप मिट्टी में डायरेक्ट लगाते हैं, नीचे सॉइल में लगाते हैं, तो बेस्ट है कि आप कम से कम 1 से 2 कॉर्म्स के बीच में 10-10 इंच का डिफरेंस रखिए, ताकि इनको अच्छे से फैलने का मौका मिले। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये फर्स्ट डे का है फ्लावरिंग, और थर्ड डे जब मैं ऊपर टेरेस पे गई तो पूरी जो स्टिक थी ये पूरी फ्लावर से भर चुकी थी। इसमें कम से कम एक स्टिक में 6 से 8 फ्लावर्स आराम से आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, 4 तो आपको दिख रहे होंगे और ऊपर कुछ अधखिली कलियाँ भी हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खिलती जाती हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से ये पूरी खिल के रेडी है। मेरे सिर्फ 2 अभी कलर्स आए हैं, बाकी और आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज मुझे लिख भेजिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।